हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हैप्पी बीज और अपने अकाउंटेंसी की आज की क्लास है। अकाउंटेंसी में अपने जो टॉपिक चल रहे थे वो आप सबको पता ही है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लगातार स्टडी जो कर रहे हैं, तो अपने जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे साझेदारी फर्म द्वारा रखे जाने वाले खाते। तो साझेदारी फर्म द्वारा रखे जाने वाले खातों में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के मुख्य रूप से खाते होते हैं। एक होता है लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा होता है साझेदारी के पूंजी खाते। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है वो मैंने आपको बताया था कि एक नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। किस प्रकार खाता होता है? नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है और साझेदारों के बीच में लाभ और हानि का वितरण दिखाता है। देखिए खाते क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं पी एंड एल। तो फर्म के जो मुख्य रूप से जो खर्चे होते हैं वो कहां आ जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है वो स्पेशली साझेदारी फर्म के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ना ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, पार्टनर्स के बीच में लाभ का बंटवारा दिखाता है। अगर हानि होती है तो हानि का बंटवारा दिखाता है और अगर लाभ होता है तो लाभ का बंटवारा दिखाता है। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो मैंने एक दिन बना के बताया था। अब कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है याद है, कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है याद नहीं है। तो जिनको याद नहीं है वो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो मैं पढ़ता हूं पहले, फिर आपको मैं उसका सोल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, देखिए अपना क्वेश्चन ये है, सबको दिखाई दे रहा होगा कि राम और श्याम ने 1 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए लगाकर 1 अप्रैल 2019 को व्यापार प्रारंभ किया। यानी आपके साझेदारों के जो नाम है वो क्या है? राम और श्याम। राम ने लगाए हैं 1 लाख रुपए और श्याम ने लगाए हैं 2 लाख रुपए। जब व्यापार स्थापित करते हैं तो आप सबको पता है अपने क्या लगाने पड़ते हैं? कैपिटल लगानी पड़ती है, पूंजी लगानी पड़ती है। जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं, यानी लाभ और हानियों किस अनुपात में बांटते हैं? 3:2 के अनुपात में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। साझेदारों को 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, इस लगाई गई कैपिटल पर उनको क्या मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, राम 1,000 रुपए प्रतिमाह वेतन और श्याम 8,000 रुपए प्रतिमाह वर्ष। देखिए ये प्रतिमाह है और ये है प्रति वर्ष, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो राम 1,000 रुपए प्रतिमाह वेतन तथा श्याम 8,000 रुपए प्रति वर्ष कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है, वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 1 लाख रुपए का था, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो जिन विद्यार्थियों को फॉर्मेट याद है उनके कोई दिक्कत आनी नहीं है, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट अपन ले लेते हैं, ऊपर ही ऊपर आप लिख देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लिया आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में ये जो साइड आपकी है वो आपको पता ही है डीआर है और ये आपको साइड है वो क्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दोबारा से थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले वर्ष के दौरान जो आपने लाभ और हानि कमाया है, क्योंकि इस अकाउंट में हम क्या बांटेंगे? इस अकाउंट में तो लाभ और हानि को बांटेंगे। तो सबसे पहले वर्ष के दौरान जो आपने लाभ या हानि कमाया है उसको इस खाते में लिखना है। अगर आपने लाभ कमाया है तो सीआर साइड, क्योंकि लाभ की साइड कौन सी होती है? सीआर होती है। और अगर आपने हानि कमाई है तो किस साइड में लिख देंगे? डीआर साइड में लिख देंगे। इसको अपने दिमाग में रखना है, लाभ को सीआर में और हानि को डीआर में। सामान्यतः जो लाभ और हानि होते हैं ना वो कहां दिए हुए मिलेंगे? सामान्यतः लाभ और हानि आपको पर्सन के लास्ट में दिए हुए मिलेंगे। तो यहां देखो आपको दिया हुआ है वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 1 लाख रुपए का था। कितना लाभ कमाया? 1 लाख। इसको सीआर साइड में आप क्या करेंगे? लिख देंगे। तो आप सीआर साइड में लिख दो, किस नाम से लिखेंगे? आप लिखेंगे लाभ का खाता होता है पी एंड एल, तो बाई पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रॉफिट, बाई पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ आपने को? प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का।
अगर लॉस होता तो इसको अपन कहां लिख देते, टू पी एंड एल, लॉस और डी आर सेट में लिख देते। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को लाभ या हानि को लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब इस लाभ और हानि में से कुछ खर्चे आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताए थे। वो खर्चे मूल तो दो ही है, एक तो है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज और एक साझेदारों को वेतन कमीशन बोनस आप दे सकते हो। तो आप देखो इसमें पढ़ो लिखा हुआ है साझेदारों को 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो देखो लाभ आपने कहा लिख दिया सीआर साइड में, अब इसमें से खर्चे करोगे आएंगे डीआर साइड में आएगा। तो सबसे पहला जो खर्चा आपने किया वो कौन सा किया, पूंजी पर ब्याज का। कर दो पूंजी पर ब्याज का, तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज दे देंगे। दो पार्टनर है, एक है राम एक है श्याम। पूंजी देखो तो राम की पूंजी है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए का 10% तो 1,00,000 × 10 = 100 = 10,000 अंदर ही लिख लो। श्याम की पूंजी कितनी है, श्याम की पूंजी है 2,00,000 रुपए, ये 2,00,000 × 10 = 100 क्योंकि अगले ने कहा है ना कि पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 10% देना है, 10% के हिसाब से दे दिया, ये भी कट गया, ये आ गया 20,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर जो पूंजी का ब्याज आपका बना वो हो गया 10 और 20 30,000 रुपए पूंजी का ब्याज हो गया। गणना करने सबको आ गई होगी, सिंपल है भाई लोगों, जितना आपके पास में पूंजी है उसका 10%, 15%, 20%, 5% आपको ब्याज देना है। तो जो राशि पूंजी है उसका अपन क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। हो गया पहला खर्चा। दूसरा खर्चा, राम 1,000 रुपए प्रतिमाह वेतन, यानी राम को 1,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देना है, प्रतिमाह पर मंथ, तो राम को आप वेतन दे दीजिए, ये भी खर्चा है। देखो टू राम सैलरी, अब देखो 1,000 रुपए एक महीने के, साल में महीने कितने होते हैं 12, तो कितने हो गए 12, तो 12,000 रुपए किसमें चले गए वेतन में। आगे बात समझे, साझेदारों को मिलने वाला पूंजी का ब्याज वेतन कमीशन बोनस सब डीआर साइड में आते हैं, ये आपको लिखवाया हुआ पहले से। अब एक है श्याम, 8,000 रुपए प्रतिवर्ष कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है, तो श्याम को कमीशन मिलेगा, कितने रुपए का कमीशन मिलेगा, श्याम को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपए का, प्रतिमाह है या प्रतिवर्ष, अगर प्रतिमाह है तो 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर प्रतिवर्ष तो कुछ नहीं करना है, प्रतिवर्ष का दिया हुआ है, तो श्याम को प्रतिवर्ष कितना कमीशन मिलेगा 8,000 रुपए, तो दे दो श्याम को कमीशन टू श्याम से कमीशन, कितने रुपए दे दिया अपन ने 8,000 हो गया काम। अब आपका लाभ आ गया, लाभ आपने लिख ही दिया, अब आप क्या करेंगे डीआर और सीआर का जोड़ कर लेंगे, अगर सीआर साइड ज्यादा है तब तो निकलेगा वितरण योग्य लाभ, वितरण योग्य लाभ जो लाभ साइड पर बांटा जाएगा, और अगर डीआर साइड ज्यादा है तो निकलेंगे वितरण योग्य हानि। तो आप देख लो ये तो हो गए 1,00,000, ये हो गए 30 और 12 42 और 42 और 8 50, तो ये तो 50 होते हैं, ये 1,00,000 होते हैं, इसका सीआर साइड जाता है तो देखिए कैसे करेंगे, 1,00,000 रुपए यहाँ लिख दो तो ज्यादा है, दोनों साइड लिख देंगे 1,00,000 रुपए यहाँ लिख दो, 1,00,000 में से ये 50,000 माइनस कर दो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल ये 50,000 रुपए साझेदारों ने क्या कर लिया, लाभ इनके पास में बच गया। ये जो 50,000 कैसे समझ में आ गया ना, 1,00,000 में से 1, 2, 3 ये खर्चे घटा दिए, 1,00,000 में से 50,000 रुपए, अब ये 50,000 रुपए दिए गए अनुपात में हम क्या करते हैं साझेदारों के बीच में बांट देंगे, दिए गए अनुपात में साझेदारों के बीच में क्या कर देंगे बांट देंगे। तो भाई दिया गया अनुपात कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है,
दिया गया अनुपात कितना है? 3:2। तो बांटो, राम और श्याम कितना धन लाभ 50,000 का गुणा किस अनुपात में बांटना है? 3:2 में, तो गुणा 3/3 और 2 5 पांच से कटे तो आगे 30,000 और 50,000 गुणा 2/5 तो ये आगे 20,000। तो 20,000 और 30,000 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहां अपन ने एक कृत्रिम क्वेश्चन की सहायता से ये सीखा। क्या सीखा अपन ने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि लाभ और हानि को आपको उसमें लिखना है। अगर लाभ हुआ है तो सीआर साइड में, अगर हानि हुई है तो डीआर साइड में। फिर उस लाभ और हानि में से कुछ खर्चे अपन कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो खर्चे आप याद कर लीजिए। पहला हो गया साझेदारों को मिलने वाला वेतन कमीशन बोनस और साझेदारों को पूंजी पर ब्याज। तो देखिए वेतन कमीशन बोनस सब डीआर में आ गए, लाभ सीआर में आ गया। लाभ से जो खर्चा हमने किया वो माइनस कर दिया तो विभाजन योग्य लाभ आ गया, और विभाजन योग्य लाभ को साझेदारों के बीच में हमने क्या कर दिया? बांट दिया। तो विभाजन योग्य लाभ को हमने साझेदारों के बीच में क्या कर दिया? बांट दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपकी, अगर आपके पास बुक है तो बुक में दिए गए हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है वो आप करके देखिए कि अपने को क्या होता है। अगर नहीं आता है तो मेरे से स्कूल में आकर पूछ सकते हैं, मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं कि ये सर पॉइंट कैसे सोल्व होगा, तो मैं आपको फोन पर बता सकता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर से सोल्व करेंगे। ओके।